वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में संतरा खाने के क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आपको संतरा कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में संतरा खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि संतरे के अंदर विटामिन सी काफी अधिक मात्रा में होता है। इस वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी को मजबूत करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि ये शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर फोलिक एसिड और विटामिन सी दोनों पाए जाते हैं। तीसरा फायदा ये होता है कि कब्ज से राहत करता है, उसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखता है, और ये क्या करता है, इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, हमारी हड्डियों को और बच्चे की जो हड्डियां होती हैं, प्रेग्नेंट महिला के फीटस जो होता है उसकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। साथ साथ में इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए जरूरी होता है, ये खून के निर्माण में मदद करता है। साथ साथ में फोलिक एसिड होता है, जैसे हमने बात करी, जो क्या करता है, बच्चे के डेवलपमेंट में, शारीरिक डेवलपमेंट में मदद करता है, तथा माँ की स्किन को भी जो होता है दुरुस्त रखता है। उसके अलावा इसके अंदर विटामिन के होता है, जो पोटेशियम के लेवल को बढ़ाता है, मतलब इसके अंदर विटामिन के पोटेशियम होता है, जो शरीर में पोटेशियम के लेवल को बढ़ाता है माँ और बच्चे दोनों को, जिससे हार्ट बीट रेगुलर रहती है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि फाइबर भी होते हैं, जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। और यदि हम बात करें कि प्रेगनेंसी में संतरा खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो तीन नुकसान होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि इसके अंदर जो होता है विटामिन जो ए है की मात्रा जो होती है, यदि इसके अंदर ज्यादा संतरा खाते हैं तो विटामिन ए का लेवल बढ़ जाता है, तो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ा सकता है। दूसरा ये होता है कि विटामिन ई की मात्रा भी संतरे में मौजूद होती है, और माँ के पेट में पल रहे शिशु तक यदि विटामिन ई की मात्रा अधिक पहुँचती है तो शिशु के वजन में कमी वगैरह आ सकती है। तीसरा ये होता है कि संतरे का अधिक सेवन जो होता है गर्भवती महिला यदि करती है तो उससे क्या होता है, दांतों में जुड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं, मतलब क्या होता है, दांतों में हल्की सी सूजन वगैरह हो सकती है। अब यदि हम बात करें कि प्रेगनेंसी में संतरा कितना खाना चाहिए, तो बेस्ट आंसर यह है कि प्रेगनेंसी में आप संतरा लिमिटेड खाएं, मतलब 1 से 3 संतरा खा सकते हैं, या आप उसका जूस बना के पीना चाहें तो 1 गिलास जूस भी पी सकते हैं, मतलब 3 संतरों का जो जूस बनता है वो भी आप पी सकते हैं। खाना खाने से पहले ही लें, खाना खाने के बाद ना लें। सो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ।